सबके पे हुए हैं। जब आज की यूथ जो है अपना चलान नहीं माफ करा सकती, यहां पे अरबों रुपए के केसेस माफ हो जाते हैं। मसला इस चीज का, वो बेचारा कहता है भाई मेरी तूने मोटरसाइकिल का चलान नहीं माफ किया। मैं सुन लीजिए, मैं जहां बैठा मुझे इससे ज्यादा ऊपर बैठना चाहिए था, लेकिन मैं यहां बैठा हूं। मैं शहबाज शरीफ से ज्यादा कैपेबल हूं, ये मैं समझता हूं, लेकिन नहीं जा हाँ। आप ये भी कहें आप इमरान खान से भी ज्यादा कैपेबल हैं। नहीं, वो ये भी कहें ना, वो मैं वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, मैं शौकत खान नहीं बना सका। और ये जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग 17,000 ट्रांजैक्शंस विद सबूत। आजम नजीर गरीदा मैम ने समीउल्लाह साहब के जवाब दिया सवाल का कि क्योंकि आपको पाकिस्तान से प्यार बहुत है इसलिए आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए, तो क्या जस्टिस काजी फैजी साहब को पाकिस्तान से प्यार नहीं है कि वो रिटायरमेंट बन गया, कोई मामा बन गया, कोई ताया बन गया, कोई फूफी बन गया? मैं सोच रहा था किसी दिन मिलूं कि मैं क्या बन गया। जी नेक्स्ट। एक बड़ी कुर्सी पर एक छोटा आदमी जो बैठा रहा, उसको खत लिखा कि आपने जब ये सारा कुछ हो रहा था आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा कर बैठे रहे। मेरा सवाल यह है कि अभी अदलिया की आज़ादी पर बात हो रही थी, तो कैसे ये हो सकता है कि जो खुद करप्ट जिनके केसेस चल रहे हैं वही अमेंडमेंट कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब पर एवन फील्ड का केस है, अभी तक मनी ट्रेल नहीं दे सके। ये जो हमारा शहबाज शरीफ साहब हैं, ये मोस्ट डॉक्यूमेंटेड टीटी स्कैंडल्स, टीटी शहजादे पूरी फैमिली। नवाज शरीफ जैसे एवन फील्ड का है, एवन फील्ड भी तो इसी चीज में है। यही तो प्रॉब्लम है, यही मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ। कर रहे हैं या ये अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, वो इतने नीट एंड क्लीन नहीं है कि उनके हाथ में इतनी बड़ी नहीं, तो हमें क्या चाहिए? हमें फरिश्ते लेके आने हैं, मिकाइल जिब्राइल अलैहि सलाम लेके आने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक टॉक शो में इरशाद भट्टी ने नून लीग और नून लीग को डिफेंड करने वाली एंकर रीदा फारूकी की वो तारीखी चित्रोल की कि पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और रीदा फारूकी पूरे शो में भीगी बिल्ली बनी रही। आए पहले इरशाद भट्टी और रीदा फारूकी की गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। अपने आप को वो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा था जस्टिस काजी फैज़ ईसा को, एक बड़ी कुर्सी पर एक छोटा आदमी जो बैठा रहा, उसको खत लिखा कि आपने जब ये सारा कुछ हो रहा था आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा कर बैठे रहे, तो अब शुतुरमुर्ग की तरह आपके सामने कम अज़ कम हमें सच बोलना चाहिए जितना हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि आपने कभी शर्मिंदा नहीं होना इस बात पे कि आप कोई फाशिज्म कर रहे हैं या आप कोई बड़े कोई कर रहे हैं या तालियां कम बजा रहे हैं या तालियां ज़्यादा बजा रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। आपको आप आज बताएं कि इस मुल्क में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां इस ये जो जो हम फेस कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारों ने किया, लेकिन इस अभी बात हो रही थी कि चाइना के लोग उधर एमएक्स, अब चाइना के लोग डंकी ट्रेडिंग करके जाते हैं, डंकी वो सफ़र करके जाते हैं। 24 शहरों पर यूएई ने पाबंदी लगाई है कि ये भिखारी हैं। भाई हम क्यों ना भिखारी हों जब हमारे ऊपर भिखारी बैठे हुए हैं, इतना बड़ा कशकोल लेके एक साइड पे आप यूटिलिटी स्टोर की लाइनों में, बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स की लाइनों में, ज़कात की लाइनों में, फलानी लाइनों में, ऊपर भिखारी नीचे भिखारी। दूसरी बात यह भाईजान कि आप ठीक कह रहे हैं कि हमें दो चीज़ों ने लूट लिया है, अब इसमें से नंबर वन कौन सी है, एक नाहेली और एक करप्शन और खुद परस्ती तो है ही। अभी मुराद अली शाह साहब अगले दिन फरमा रहे थे कि आपको मुबारक हो मीर ज़ुल्फ़िकार अली पैदा हो गया है, आप अंदाज़ा करें। कोई चाचा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई ताया बन गया, कोई फूफी बन गया। मैं सोच रहा था किसी दिन मिलूं कि मैं क्या बन गया। जी नेक्स्ट। मेरा क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटी में विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग जो है वो बहुत नॉर्मल है, तो ऐसे क्या इकदाम गवर्नमेंट कर सकती है कि यू जो है वो सिक्योर फील करे और मुल्क छोड़ के ना जाए? थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है और आपके सवाल में ही इसका जवाब है कि क्या करना चाहिए। किसी को समझ नहीं है क्या करना चाहिए, इंक्लूडिंग द सोसाइटी, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग द मीडिया। यूथ को ब्लेम किया जाता है कि जी आप लोग बड़े जज्बाती हैं, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, आप लोग पॉपुलिज्म के पीछे निकल पड़ते हैं, आप लोग एग्रेसिव हैं और क्या क्या कुछ आपको नहीं किया जाता। तो ये यूथ शेमिंग या विक्टिम शेमिंग या विक्टिम ब्लेमिंग आप इसको ज़रूर कह सकते हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग खुद चार्ज ले लें, खुद रेंस ले लें और अपने आप को साबित करें कि नहीं वी आर कैपेबल पीपल, हमारे माशाल्लाह कितने ब्रिलियंट बच्चे पाकिस्तान में भी पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रहे हैं, हॉलीवुड तक जाके काम कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त जगहों पे काम कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अभी अदलिया की आज़ादी पे बात हो रही थी, तो कैसे ये हो सकता है कि जो खुद करप्ट जिनके केसेस चल रहे हैं वही अमेंडमेंट कर रहे हैं? और जैसे अभी बिलावल ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर बंदे पूरे ना हुए हमारे लिए अमेंडमेंट के लिए तो हम उसके लिए ज़बरदस्ती करा देंगे, ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसे अदलिया आज़ाद रहेगी? और छः जजेस का जो खत थे उसके बारे में भी जी मुझे आप ज़रा बता दीजिए किस किस पर कौन कौन से केसेस हैं। बहुत से लोग हैं, इनके केसेस करप्शन पे काफी नाम लेके बता दीजिए ना, नाम लेके बता दीजिए। आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, कि इस बंदे पे ये केस है और ये साबित हो चुका है। नवाज शरीफ जैसे एवन फील्ड का है, एवन फील्ड भी तो इसी चीज़ में है। यही तो प्रॉब्लम है, यही मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ।
लेट्स मूव इट। मेरे ख्याल में आपका आपकी बात का जो जिस्ट था ना, जो मैं एक मिनट एक्सक्यूज मी एक मिनट, आपकी बात का जिस्ट ये था कि जो थोड़ी देर पहले शायद भट्टी साहब भी बात कर रहे थे कि जो लोग एक्चुअली जाके डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या ये अमेंडमेंट्स कर रहे हैं वो इतने नीट एंड क्लीन नहीं है कि उनके हाथ में इतनी बड़ी नहीं, तो हमें क्या चाहिए, हमें फरिश्ते लेके आने हैं, मीकाइल जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आने हैं, कौन लेके आना है। दूसरी बात ये कि ये हमें एक पॉपुलिस्ट बयानिया हमारे दिमागों में भर दिया गया है कि जी फलां चोर है, फलां करप्ट है, फलां ये है, फलां ये है। भाई खुदा के लिए पढ़ तो लीजिए, समझ तो लीजिए, किसके खिलाफ केस कहां से बना है, किसके खिलाफ केस कहां से साबित हुआ है, पार्लियामेंट्री कमेटी कौन है, जज कैसे बना है। नवाज शरीफ साहब पर एवन फील्ड का केस अभी तक मनी ट्रेल नहीं दे सके। ये जो हमारा शहबाज शरीफ साहब हैं, ये मोस्ट डॉक्यूमेंटेड टीटी स्कैंडल्स, टीटी शहजादे पूरी फैमिली, और ये जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग, 17,000 ट्रांजैक्शंस विद सबूत, आजम नज़ीर तारर साहब के बड़े कौन हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। और जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे बच्चे अरबपति हो गए, मैंने तो पता ही कोई नहीं, आप में से कोई है कोई अरबपति हुआ ऐसे? शहबाज शरीफ कहकर साहब, शहबाज शरीफ कहते हैं पता ही कोई नहीं मुझे तो मेरे अहले खाना, और बिलावल कहता है अबू जान का पता ही कोई नहीं। तो इस मुल्क में सिंपल सादा आप ये जेनों में रखिए कि जब आपकी पार्लियामेंट अदलिया लगाएगी तो वो अदलिया आजाद कैसे होगी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे पहले तो आपने बात की है केसेस की मौलाना फजल रहमान पे और बाकी, आप जब गवर्नमेंट में हो किसी पे भी केस खत्म करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आप कोई भी एविडेंस भी गायब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जी गरीदा, वो कह रहे हैं जी मौलाना फजल रहमान साहब जब चाहते अपने केसेस जो है वो खत्म भी करा सकते हैं, हमारा सिस्टम ही इस किस्म का बन चुका है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये सब जमहूरियत पसंद लोगों का आई थिंक एक हाइपोथेटिकल कलमा होना चाहिए, आपका इस पे ईमान होना चाहिए। पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट कहाँ से आती है, आप लोग वोट देते हैं, ठीक है, आपका वोट नहीं भी काउंट, सुन लीजिए डेमोक्रेसीज ऐसे इवॉल्व करती हैं, आपका वोट आज काउंट नहीं होगा, आप प्रोटेस्ट करेंगे, तो पहले भी नहीं हुआ, जितनी दफा नहीं होगा। आप देखिए, हम मिसालें देते हैं भारत की कि देखिए जी वहां पे पिछले 70 साल से हमारे साथ आजाद हुआ था, चीन हमारे बाद जो है एक डेवलप्ड नेशन की सूरत में आया था, क्या है वहां पे कि वहां आवाम को राइट मुसलसल दिया, दिस इज अ ग्राइंडिंग मशीन। ये नहीं होता कि जी आप एक ही दफा एफर्ट करेंगे आपको फौरन नतीजा मिलना शुरू हो जाएगा, होता भी है लेकिन अक्सर नहीं भी होता। नहीं, आई एग्री, डेमोक्रेसी इज अ ग्राइंडिंग मशीन। आई एग्री विद यू, मसला ये है मशीन का बटन इनके हाथ में नहीं, इनके हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ, इनके हाथ में होना चाहिए। पाकिस्तान में जितना अरसा जमहूरियत रही उससे ज्यादा अरसा आमरियत रही। लेकिन जो मैं कहना चाहती सिर्फ एक छोटा सा सवाल, बिकॉज आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू लेट यू पीपल नो, लेट दिस यूथ नो कि पार्लियामेंट अगर जजेस अपॉइंट कर रही है दैट इज नॉट अ बैड थिंग। इसका मतलब यह नहीं है कि अदलिया आजाद नहीं है। आपको पता है कि भारत में कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस? प्रेसिडेंट। आपको पता है अमेरिका में कौन अपॉइंट करता है जजेस? प्रेसिडेंट। यहां पे मैंडेट का इशू है कि वो असेंबली, इसके बाद में आ जाते हैं, अगर नीट एंड क्लीन हो तो मैं फार्मूला डिस्कस कर रहा हूं। एक इनसे सवाल करता हूं, आप जरा सुनिएगा, अभी मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करने लगा हूं, ठीक है, जो उस बच्चे ने सवाल किया था ना उससे मिलता जुलता है। बच्चों आप लोग सारे 18 साल से ऊपर हैं, लाइसेंस बने हुए हैं, 8 लोगों के, आप लोगों का कभी चलान हुआ हो तो आप में से कितनों ने कभी जाके अपना चलान कैंसिल करवा सके हैं? आप लोग कभी मुमकिन हुआ है कि किसी का चलान सबके पे हुए हैं? जब आज की यूथ जो है अपना चलान नहीं माफ करा सकती, यहां पे अरबों रुपए के केसेस माफ हो जाते हैं, मसला इस चीज का। वो बेचारा कहता है भाई मेरी तूने मोटरसाइकिल का चलान नहीं माफ किया, मैं अपनी मोटरसाइकिल का चलान नहीं माफ करा सकता, लेकिन यहां पे एक बड़ा अरबपति अरबों रुपए के जिसके ऊपर इल्जामात हैं वो अपने केसेस माफ करवा देते हैं। खान साहब, दैट्स अ वेरी कन्वीनिएंट आर्गुमेंट, एंड यू बीइंग एन इनफॉर्मड पर्सन आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू स्पेशली टू एजुकेट दिस यूथ कि वो अरबों के केसेस कहां से बने थे, किसने जलसे में वो खत लहराया था, जलसे में खत एस्टैब्लिशमेंट के किसी बंदे ने जाके लहराया था? चलें, लेट्स गो फॉर अ क्वेश्चन। जी, दिस इज आयशा जमील, आई एम फैकल्टी मेंबर ऑफ एरोस्पेस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज। अगर आपके सोसाइटी में मसले मसाइल हैं तो आप अपनी पावर, अपना राइट यूज करके किस तरह से वो मसले मसाइल सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उस पर गाइडेंस दें। देखिए, आपको जब कोई आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते, जब आपके पास क्वालिफिकेशन होती है, बड़ी अच्छी डिग्री होती है, लेकिन आपके पास पर्ची नहीं होती, आपके पास पैसा नहीं होता, आपके पास आपको ये, आप हमारे पता है सीएसएस के एग्ज़ाम, उसमें भी एक इंटरव्यू होता है, और जब आपके पास सारे दरवाजे बंद होते हैं तो फिर लोग अगर इराक ज़ियारात पर भी जाएं तो वहाँ से भी गायब हो जाते हैं। तो सुन लीजिए, मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे इससे ज़्यादा ऊपर बैठना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ।
सुन लीजिए, सुन, मैं शहबाज शरीफ से ज्यादा कैपेबल हूं ये मैं समझता हूं, लेकिन नहीं जाता। और अभी बात हो रही थी कि ये एस्टेब्लिशमेंट सारे केसेस बनाती है। एक मिनट। हाँ। आप ये भी कहें आप इमरान खान से भी ज्यादा कैपेबल हैं। नहीं, वो ये भी कहें ना, वो मैं वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, मैं शौकत खानम नहीं बना सका। पॉपुलिस आपके ऊपर वो गरीजा, फिर जो बात कर रही थी ना, पॉपुलिस बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं करता हूँ, कोई बुराई क्या है, मैं इस पर फख्र करता हूँ, मैं आवाम की बात करता हूँ, अगर उसको कोई वो बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है वो ठीक। अच्छा, दो जुमले सिर्फ अगर आपकी इजाज़त हो तो। वैसे इधर भी आपका सुतेला बेटा नहीं बैठा हुआ तो अच्छा, इशू बुनियादी तौर पे ये है कि हमारा नौजवान क्यों मायूस है, क्योंकि उसे मौके नहीं मिल रहे। हमारा नौजवान क्यों मायूस है, क्योंकि ऊपर अब मिसाल के तौर फिर वही बात आ जाती है, आप एक दूध वाले का क्या काम होता है, खालिस दूध देना। अगर वो तेजाब मिलाकर दे तो आप ले लेंगे कि दूध वाले तो काम ही यही है, पार्लियामेंट का तो काम ही यही है, सुप्रीम है, दूध वाला सुप्रीम है, दे दे। डॉक्टर का क्या काम है, इलाज करना। लेकिन अगर आपको जहर के टीके लगा रहा हो तो आप मान लेंगे नहीं, इसी से जहर के टीके लगवाने हैं। वकील का क्या काम है, आपका केस लड़ना। लेकिन अगर आपको मुखालिफ के साथ मिल जाए तो फिर तो पार्लियामेंट, एक तो मैंडेट चलो छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट का काम है कि कानून साजी करना, आइन में तरमीम करना। पार्लियामेंट सुप्रीम है विद इन रेड लाइन के अंदर। पार्लियामेंट का यह काम नहीं है कि चार बंदों के लिए सहूलतें पैदा करना। नैब की तरमीम क्यों हुई थी, चारों इसलिए हुई थी कि अपने केसेस थे, नैब के मुजरम और मुलजम बैठे, वकीलों को साथ बिठाया, केस आगे रखे और सारा बख्शवा लिया। आप मुझे बताएं, सरे महल की स्टोरी किसने ब्रेक की थी, पीपल्स पार्टी की थी, मुस्लिम लीग ने की थी। नवाज शरीफ साहब पे ज्यादा केसेस किसने बनाए थे, मुस्लिम लीग बने। कौन कहता था मैं चौकों पे लटकाऊंगा, पेट चीरूंगा और उल्टा लटकाऊंगा जर बाबा, शहबाज शरीफ। किसको कहते थे, आसिफ अली जरदारी। बिलावल भुट्टो क्या कहते थे, ये जो कातिल आला है शहबाज शरीफ, ये इससे आशियाना के करप्शन का मिसाब लेंगे। तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, आपस में किया, और फिर थैंक्स टू इमरान खान उन्होंने जियाउर भुट्टो की सुलह करा दी। गरीदा मैम ने समीउल्ला साहब के जवाब दिया सवाल का कि क्योंकि आपको पाकिस्तान से प्यार बहुत है इसलिए आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए, तो क्या जस्टिस काजी फैजी साहब को पाकिस्तान से प्यार नहीं है कि रिटायरमेंट के एकदम बाद ही पाकिस्तान से बाहर चले गए? आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काजी फैजी साहब पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं और वो वहीं पर रहेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन ये है? नहीं, वो वापस भी आए बेशक, लेकिन ये कि अगर वो वहां, लेकिन देखें हमारे पास, ही इज एक्चुअली गॉन टू लंदन टू गेट एन अवार्ड। See, that's what I'm saying. जी, you don't have to compete for, आपकी नजर, अच्छा, आपकी नजर में जनरल बाजवा भी छोड़ चुके हैं पाकिस्तान। जी, जा तो चुके हैं पाकिस्तान। ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है, he's still living over here. यहाँ पे पिंडी में रह रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ ना, अपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पहले करेक्ट करें, देन मेक एन असेसमेंट। हाँ, नवाज शरीफ साहब के बारे में आप सही कह रहे हैं कि वो जब गए थे तो 4.5 साल वापस नहीं आए थे, वो आपकी बात दुरुस्त है। और उनके बच्चों के भी और हमारे दीगर शाफी के बच्चों को भी कारोबार पाकिस्तान से बाहर ही है, क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर उनके कारोबार मौजूद, क्या वो पाकिस्तान से प्यार नहीं करते? और इसके साथ एक छोटा सा कमेंट, क्यों सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी नहीं हो जाती इस बात के ऊपर कि यार हम मुल्क के सियासी मामलों के अंदर किसी भी फौज को या किसी भी इदारे को मुदाखलत करने नहीं देंगे, हम सारे इस एक बात पर एक साथ हैं कि यार भाई हम लड़ें कटे मरें आपस में, कोई हमारे दरमियान आकर नहीं बोलेगा बीच में, तो क्या इस बात से ये सब कुछ सही नहीं हो सकता? आपने मुकम्मल वीडियो देखी, इरशाद भट्टी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस मुल्क में एक आम आदमी अपना एक चलान तक माफ नहीं करा सकता। इरशाद भट्टी ने बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज शरीफ आज तक अपने अपार्टमेंट की मनी ट्रेल आज तक जमा नहीं करा सका। यहाँ गरीब के लिए कानून और है जबकि अमीर हर तरह के कानून से बालातर है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।